2 जुलाई को भारत गौरव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के स्वास्थ्य में गिरावट आई थी, लेकिन अब आचार्य श्री बिल्कुल ठीक हैं। आचार्य श्री के सानिध्य में 3 जुलाई को प्रभु का नित्यमय पूजन हुआ और आचार्य श्री ने आहार भी ठीक से लिया है। मनोज जैन जी ने आचार्य श्री के बारे में पूरी जानकारी हमें दी है। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य श्री भरत गौरव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का विहार के दौरान महाराष्ट्र के ज्वालना के पास विगत दिन 2 जुलाई को अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया। आगरा से ज्वालना पहुंचे मनोज जैन बाकलीवाल जी ने आचार्य श्री के स्वास्थ्य को लेकर हमें बताया और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आचार्य श्री का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है। हम लोग यहाँ पर ज्वालना में आए हुए हैं, आगरा से हम पूरी टीम यहाँ आई हुई है और कल से पूज्य आचार्य विराग सागर जी के साथ हम यहाँ पर बने हुए हैं। कल बहुत चिंता की बात थी, कल ऐसा लगा था कि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, लेकिन आज प्रातःकाल सब कुछ ठीक लग रहा है। अभी आहार दान भी करके आए हैं, आहार दान अभी हुआ है, महाराज स्वस्थ हैं। 3 दिन का रेस्ट बताया, वो यहीं पर रहेंगे अभी 3 दिन। जालना पहुंचे ब्रह्मचारी श्री प्रदीप भैया जी ने बताया कि सोशल मीडिया पर देखा कि आचार्य श्री की हालत खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आचार्य श्री के शरीर की स्थिति सामान्य है। आचार्य श्री के सानिध्य में 3 जुलाई को प्रभु का नित्यमय पूजन भी अच्छे से हुआ। जिस प्रकार के समाचार व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुए कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, लेकिन यहाँ आने के बाद में आचार्य श्री के दर्शन हुए और उनके शरीर की स्थिति सामान्य है। जिस प्रकार से लोगों ने प्रचार किया वह चीज़ यहाँ पर कोई देखने में नहीं आई है। प्रातःकाल की वेला में भगवान का अभिषेक महाराज श्री के द्वारा देखा गया और उसके बाद में आहारचर्या अभी चल रही है, सामान्य देह जैसे चलती है उसी प्रकार। वही जालना के रहने वाले सांगानेर संस्थान के वैभव भैया ने बताया कि आयुर्वेदिक दवाई चल रही है और आचार्य श्री ने आहार भी अच्छे से लिया। आहारचर्या के बाद आचार्य श्री ने भक्तों को दर्शन भी दिए। आचार्य श्री के दर्शन पाकर भक्तों को सांत्वना भी मिली। सौभाग्य की बात है कि ऐसी घटना हुई, लेकिन सौभाग्य की बात है कि जालना शहर को ये सब सेवा करने का मौका मिल रहा है। और कल जिस तरह से परिस्थिति हुई उसके बाद तुरंत 5 मिनट के अंदर डॉक्टर यहाँ पर आ गए और जो भी इलाज संभव हो सकता है पहले फिजियोथेरेपी वगैरह से वो शुरू किया और जो डॉक्टर ने दवाई वगैरह बताई थी उसका ही आयुर्वेदिक रूप लेके आज आहार में भी व्यवस्थित रूप से चल गया है। आहारचर्या भी बहुत अच्छे से हुई है और महाराज जी के स्वास्थ्य में बहुत अच्छे से सुधार हो रहा है। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो सुधा सागर महाराज जी ने कल शाम को कहा था कि कल सुबह तक अच्छी खबर आएगी और उनके वाणी की जय हो गई और सुबह मतलब एकदम स्वस्थ है, अच्छे है। आचार्य श्री ने सभी को आशीर्वाद दिया है। आचार्य श्री अभी जालना के अतिशय मंगल धाम में विराजमान है। रिपोर्टर्स की माने तो आचार्य श्री 3 दिनों जालना में ही रहेंगे। फिलहाल आचार्य श्री के खराब स्वास्थ्य को लेकर कोई मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल ना करें। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। जैन फोकस के लिए जालना महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट।